अस्सलाम वालेकुम, मैं K1 की टीचर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कैंट पब्लिक स्कूल सिस्टम ने रिकॉर्डेड क्लासेस का आगाज़ किया है। बच्चों को अपनी निगरानी में काम करवाएँ, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ इनके लिए न्यू मेथड है। क्लास K1 लेक्चर 1 पार्ट 1 सबक नंबर 2 मानो बिल्ली मोटी सी। सबक नंबर 2 जो है वो हमारा है मानो बिल्ली मोटी सी। ये एक बिल्ली के बारे में है जो बहुत मोटी सी घुपड़ी सी है, और इस बिल्ली जो है ये बिल्ली जो है वो दूध को पसंद करती है और भागती रहती है, दौड़ती रहती है। आए अब हम देखते हैं कि इस बिल्ली के बारे में इस सबक में क्या कहा गया है। मानो बिल्ली मोटी सी, हमारी बिल्ली का नाम मानो है। मानो 4 साल की है। मानो खूब मोटी है, यानी खूब मोटी, मोटी सी है, वो कम मोटी नहीं ज़्यादा मोटी। वो दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाती है, वो भागकर आती है और जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाती है। आपा मानो को बुलाती हैं, मानो आओ। मानो दौड़कर आती है, आपा जब भी मानो को बुलाती हैं, मानो भागकर आती है और आपा के पास आ जाती है। मानो गेंद से खेलती है, गेंद के साथ साथ भागती है, दौड़ती है, उछलती है, कूदती है। मानो जो है वो गेंद के साथ खेलना बहुत पसंद करती है। वो गेंद के साथ साथ कभी आगे जाती है, कभी पीछे जाती है, कभी भागती है, कभी दौड़ती है, कभी उसके साथ साथ उछलती है। तो ये मानो जो है वो गेंद के साथ बहुत मस्ती करती है। मानो बहुत सा खाना खाती है, मानो को दूध अच्छा लगता है। हम सबको मानो अच्छी लगती है। मानो खूब खाना खाती है, मानो पेट भर कर खाना खाती है, दूध उसको बहुत पसंद होता है। हम सबको मानो अच्छी लगती है, यानी हमें मानो बहुत पसंद है। अब हम जो इमला के अल्फाज हैं उनको अंडरलाइन करते हैं। मैं आपको इमला के अल्फाज बता देती हूँ, आप इनके नीचे लाइन लगा लें और इनको बहुत अच्छे से आपने याद करना है। याद करने के बाद अपनी मामा से कहिए कि वो आपकी नोटबुक पर इसको आपसे करवा लें, यानी मामा बोलेंगी और आप जैसे मैं आपको डिक्टेशन करवाती थी, इमला करवाती थी, वैसे ही मामा आपको नोटबुक पर करवा दें। तो चलें, सबसे पहले पहला वर्ड है, फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है बिल्ली। बिल्ली को आप नंबर 1 दे दें। नंबर 3 लाइन, इसमें मानो खूब मोटी है, ये पूरी लाइन होगी। इस पूरी लाइन के नीचे आप लाइन लगा लें और इसको नंबर 2 दें। इसके नीचे वाली लाइन में लिखा है पेड़। पेड़ यानी दरख्त होता है, दरख्त। अब इसके नीचे आप लाइन लगा लें और इसको नंबर 3 दें। उसके बाद नीचे आइए, आपा मानो को बुलाती हैं, इसमें वर्ड है बुलाती, बुलाती। इसके नीचे लाइन लगाइए और इसको नंबर 4 दे दें। पेज नंबर 13 में देखिएगा, फर्स्ट लाइन में लिखा है गेंद, गेंद। गेंद के ऊपर लिखे नंबर 5। इसके बाद नीचे, उससे नीचे वाली लाइन में देखिएगा, नीचे लिखा हुआ है दौड़ती, दौड़ती। दौड़ती को नंबर 6 दें। लास्ट वाले पैराग्राफ की पहली लाइन में लिखा है खाना, खाना, नंबर 7। उससे नीचे वाली लाइन में है मानो को दूध अच्छा लगता है, ये एक जुमला है पूरा, मानो को दूध अच्छा लगता है। इस पूरी इस लाइन के नीचे आप लाइन लगा लें और इसको नंबर 8 दे दें। ये टोटल आपके पास 5 वर्ड्स होंगे और
सिक्स वर्ड्स होंगे और टू आपके पास लाइन्स होंगी, टोटल 8 हो जाएंगे। चलें जी, अब सफ़ा नंबर 14 पर आइए, मश्क। इसमें तफहीम है, जुमले मुकम्मल कीजिए। जैसे अभी आपने पीछे सबक में पढ़ा है, ये सारे जुमले उसी में से हैं, आपने इनको मुकम्मल करना है। अब जो पहला है इसमें लिखा है हमारी बिल्ली का नाम डैश है, हमारी बिल्ली का नाम मानो है। जी आपको पता है ना, लेसन में आपने पढ़ा है अभी, मानो डैश साल की है। जी मानो 4 साल की है। मानो खूब डैश है, मानो खूब मोटी है। डैश मानो को बुलाती हैं। कौन मानो को बुलाती हैं? आपा, आपा मानो को बुलाती हैं। मानो डैश से खेलती है। मानो किससे खेलती है? जी मानो गेंद से खेलती है, यहाँ पर आप गेंद लिखेंगे। भागती है, डैश है। अब बुक में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन्हीं में से एक वर्ड आप ले सकती हैं, भागती है, दौड़ती है या फिर कूदती है, दोनों में से एक जो लफ्ज़ है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मानो को डैश अच्छा लगता है, अभी लेसन में उन्होंने बताया था ना कि मानो को क्या अच्छा लगता है, मानो को दूध अच्छा लगता है। डैश को मानो अच्छी लगती है, सबको मानो अच्छी लगती है। सफ़ा नंबर 15 देखिए, सोचिए और दायरा बनाइए। उन चीज़ों पर दायरा बनाइए जो बिल्ली को पसंद है, यानी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं, इनमें से जो चीज़ें बिल्ली को पसंद हैं उन पे हम दायरा लगाएंगे। आपको पता है ना बिल्ली क्या क्या खाती है, उसे क्या पसंद है, तो चलिए हम देखते हैं। पहली पिक्चर में लिखा है गोश्त, ये गोश्त की पिक्चर है, गोश्त। बिल्ली को गोश्त अच्छा लगता है कि नहीं? जी बिल्ली को गोश्त बहुत पसंद है, इसलिए हम इसके गिर्द ऐसे एक दायरा बनाएंगे। ऐसे आपने भी अपनी बुक पर एक दायरा लगाना है। पानी, बिल्ली वैसे पानी तो पीती है लेकिन पसंद नहीं उसको, ऐसे नहीं आता। उसके बाद है जी शरबत, शरबत तो बिल्ली नहीं पीती। रोटी, रोटी भी कभी कभी ज़्यादा भूखी होती है तो खा लेती है, लेकिन वो इस तरह से उसको रोटी पसंद नहीं है। टमाटर भी नहीं खाती बिल्ली। उसके बाद है जी दूध, जी ये सबसे ज़्यादा उसकी पसंदीदा चीज़ है, तो हम दूध को भी सर्कल करेंगे। उसके बाद है हलवा, हलवा तो बिल्ली नहीं खाती, और फूल, फूल भी बिल्ली नहीं खाती। सफ़ा नंबर 16, आप सफ़ा नंबर 16 पर आइए, यहाँ पर क्या है, अल्फाज मुकम्मल कीजिए। पीछे हमने जुमले मुकम्मल किए थे, अब हम इन अल्फाज को मुकम्मल करेंगे। एक हर्फ इसमें से मिस होगा जो आप लगाएंगे, या फिर लफ्ज़ मिस होगा जो आप लगाएंगे, और ये एक लफ्ज़ बनेगा मुकम्मल। अल्फाज मुकम्मल कीजिए और दी हुई जगह पर लिखिए। सबसे पहले है वाओ, रे और ते छोटी ये ती लिखा हुआ है, इसके साथ पहले मुझे कोई लेटर लगाना है, कोई लफ्ज़ लगाना है जो इसको मुकम्मल करेगा, तो मैंने इधर लगाया दाल, दौड़ती, दाल से बनेगा दौड़ती। इसी को मैं नीचे लिखूंगी दौड़ती, आपने भी ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने ऊपर एक लफ्ज़ लगाया, उसके बाद मैंने पूरे लफ्ज़ को इसको नीचे लिखा है, ऐसे ही आपने इसको मुकम्मल करना है। भागती, भा लगाया और इसके साथ फिर मैंने इसको नीचे पूरे लफ्ज़ को लिख दिया, भागती, भागती, ये लफ्ज़ पूरा एक मुकम्मल कर दिया। इसी तरह से आप यहाँ पर इसको मुकम्मल करेंगे, कूदती, उछलती, इन्हीं को नीचे लिखना है, बुलाती, खाती, 4 साल, और फिर ये आप नीचे रिपीट करेंगे, इसको लिखेंगे। लकीर की मदद से टूटे हुए लफ्ज़ को दुरुस्त हिस्से से जोड़िए। साल, जैसे उन्होंने, जैसे ये है तकरीबन, ये भी ऐसे ही है, आपने उसको
ज्वाइन करना है, यहाँ पे आपने खुद से लिखना है, यहाँ पे उन्होंने आपको लेटर दिया हुआ है, लफ्ज दिया हुआ है, वो आपने उसको लाइन लगाकर ज्वाइन करना है। जैसे सपोज अब है जी चार लिखा हुआ है, इसके साथ मैं रे को ज्वाइन करूँगी तो ये क्या बनेगा, चार। अब यहाँ पर अलिफ मद आ के साथ पे अलिफ पा को जोड़ दूंगी तो क्या बनेगा, आ पा। अब यहाँ नीचे आइए, नीचे देखें, यहाँ पे लिखा है माँ, माँ को मैं नो से जोड़ दूंगी, मानो। ना को म से जोड़ूंगी मीम से तो नाम बन जाएगा, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर मोटी, सफा नंबर 17 है, अल्फाज बनाइए। अब आपने यहाँ पर भी वैसे ही अल्फाज बनाने हैं, आ अलिफ मद आ, यहाँ पे उन्होंने हर्फ दिया हुआ है, इसको लगा कर आपने ये सारे लफ्ज बनाने हैं, आ लिख कर अल्फाज बनाइए। जैसे आ से आगे उन्होंने पा लगाया तो आ पा बन गया, आ लगाएंगे तो आना, आ लगाएंगे तो हमजा वाओ ओ आओ, आ आया, आ आई, हमजा छोटी ये ई आई, आ ना, ऐसे ही आपने ये लाइन कंप्लीट करनी है। टी लिख कर अल्फाज बनाइए, जैसे हमने इसको किया ऐसे ही ये रेड वाला वर्ड जो है हम नीचे लिखेंगे, जैसे छोटी, और मो लिखा हुआ है इसके साथ मैं टी लगाऊंगी तो क्या बनेगा, मोटी। रोटी, बोटी, खोटी, इस सारे को आपने कंप्लीट करना है, बुक पे आपने खुद अपनी हैंड राइटिंग में इसको लिखना है। हरूफ जोड़कर लफ्ज बनाइए, ये तोड़ लिखे हुए हैं, आपने इनको जोड़ कर लिखना है, जैसे मीम अलिफ नून और वाव, मीम अलिफ माँ, नून वाव नो, मानो, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो बनेगा मानो। पेड़, पे ये ओड़े, पेड़। अब नीचे है मीम वाव मो और टे छोटी ये टी, मोटी, इधर आपने मोटी लिखना है। अल्फाज को तोड़कर हरूफ अलग कीजिए, पहले हमने तोड़ लिखे थे, जोड़ लिखे हैं, तोड़ के जोड़ लिखे हैं, अब जोड़ के तोड़ लिखेंगे, हरूफ को अलग अलग करके लिखना है। अल्फाज को तोड़कर हरूफ अलग कीजिए, चार, चे अलिफ और रे, चार। साल, सीन है पहले, फिर सीन के साथ क्या है ये अलिफ, सीन अलिफ, नेक्स्ट है आपके पास ये क्या है लाम, तो हम यहाँ पर लाम लिख देंगे, सीन अलिफ और लाम। साल, आ ती, आ ते, ये दो नुक्ते ते के हैं, ते और यहाँ पर छोटी ये आती। 18 अल्फाज सीखिए, बिल्ली लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए, यानी बिल्ली को मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने जुमलों में इस्तेमाल करने का आपको तरीका बताया है, कि जैसे यही वर्ड आपने बार बार यूज़ करना है, मानो बिल्ली मोटी है, मैंने बिल्ली पाली है, मेरी बिल्ली दूध पीती है, बिल्ली म्याओ म्याओ जी, डैश बोली म्याओ म्याओ, बिल्ली बोली म्याओ म्याओ। गेंद लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए, गेंद गोल है, ये भाई की गेंद है, हम गेंद से खेलते हैं, गेंद दे दो। ये भी वैसे ही जैसे बिल्ली को इस्तेमाल किया आपने, ऐसे ही सारे जुमलों में आपने गेंद, ये रेड जो वर्ड लिखा हुआ है, ये सब आपने इनमें इस्तेमाल करना है। इसी तरह अब खाना आ गया है, खाना लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए, खाना खाओ, खाना मज़ेदार है, मैंने खाना खाया, भाई ने खाना नहीं खाया। सफ़र नंबर 19, क्वाइट,
अल्फाज की जिद, अल्फाज की जिद खाने से तलाश करके लिखिए। अल्फाज जिद यानी जो ये अल्फाज हैं इनके उलट अल्फाज आपने, मुतजाद आपने यहाँ पर लिखने हैं, और ये सारे यहाँ पर आपको एक जगह पर दिए हुए हैं। इन्हीं में से आपने एक लफ्ज़ चूज़ करना है और उसको यहाँ पर लगाना है। जैसे मोटी, मोटी के लिए यहाँ पर वर्ड है, यहाँ पर वर्ड जो लिखे हैं वो मैं पहले पढ़ के बताती हूँ आपको। लिखा हुआ है जाति, बड़ी, बुरी, पतली। अब इसमें से जो इसके साथ मोटी के साथ सूट करता है वो क्या है? मोटी, पतली, मोटी, पतली। अच्छी, अच्छी के साथ हम लगाएंगे जी बुरी, अच्छी, बुरी। आती, जाती, आती, जाती। छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी। यहाँ पर ये सारे अल्फाज लिखने हैं और इन्हें याद भी करना है ऐसे ही। अब है या हैं लिख कर जुमले को मुकम्मल कीजिए। है जो होता है वो वह चीज़ यानी एक चीज़ के लिए लिखा जाता है, एक कोई चीज़ हो या किसी इंसान के लिए या किसी जानवर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अगर वो एक है तो लिखेंगे है, और अगर वो ज़्यादा है तो हम लिखेंगे हैं। अब देखते हैं कि ज़्यादा क्या है इसमें और एक क्या है। बिल्ली की दुम काली है। अब बताइए कि बिल्ली की दुम एक है या ज़्यादा है? एक बिल्ली की एक ही दुम होती है, इसलिए हम लिखेंगे है। बिल्ली की दुम काली है। बिल्ली के कान काले डैश। तो अब देखें कान कितने होते हैं? कान होते हैं दो, इसलिए हम लिखेंगे हैं। बिल्ली के कान काले हैं यानी एक के लिए है और ज्यादा के लिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देती हूँ, है और हैं। भाई ने तोते पाले। तोते, तोते जमा वर्ड है, ज्यादा है, इसलिए हम लिखेंगे हैं, जमा वाला वर्ड है हैं। भाई ने तोते पाले हैं। आपा ने बिल्ली पाली है। बिल्ली एक है, है, इसलिए मैंने बोला क्योंकि बिल्ली एक है, ज़्यादा नहीं है। बिल्लियाँ अगर होती तो हम लिखते हैं। आपा ने बिल्ली पाली है। इमली का एक दरख्त क्या है? है, एक, एक के लिए हमने क्या यूज़ करना है? है। आम के चार दरख्त हैं, चार, चार हैं, इसलिए मैंने हैं यूज़ किया है। पर लिखना है हैं। सफ़ा नंबर 20, नसर निगारी। अपने पालतू जानवर के बारे में लिखिए, इसकी तस्वीर भी बनाइए। मैंने एक डैश पाली पाला है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके घर में कोई भी जानवर है जो आपने पाल के पाला है, जैसे बिल्ली है, तोता है, कुछ भी है, पालतू के बारे में आपने बताना है तो आप यहाँ पर बिल्ली के बारे में, कुत्ते के बारे में, बकरी के बारे में, किसी बारे में भी लिख सकते हैं। मेरी या मेरे डैश का रंग डैश है। जैसे मैं आपको बिल्ली के बारे में, मैं आपको बिल्ली के बारे में ही करके बता देती हूँ, तो आप इसमें कुछ भी जो आपके घर में है उसके बारे में, आप जो आपको पसंद है पालतू उसके बारे में लिख सकते हैं। मैंने एक बिल्ली पाली है। मेरी बिल्ली का रंग सफ़ेद है। मेरी बिल्ली गोश्त खाती है। मेरी बिल्ली का नाम मानो है। मेरी बिल्ली म्याओं म्याओं बोलती है। यहाँ पर आपने उसकी पिक्चर बनानी है यानी तस्वीर बनानी है यहाँ पर। सफ़ा नंबर 21 है, खुशखती। मानो गेंद से खेलती है। जैसे ही ये लाइन पे लिखा है ऐसे ही आपने एक दो तीन ये लाइनें खुशखती की लिखनी है और इसको मुकम्मल करना है। ये सवाल जवाब हैं, ये बाद में हम कॉपी पे करेंगे और बोर्ड पे मैं आपको